तो हवे नजर करीशु तमाम महत्वपूर्ण समाचार समाचार सुपरफास्ट में। आज धनतेरस पर राज्य में सोना चांदी ने वाहनों धूम वेचाण। एकला अमदावाद में 1500 किलो चांदी और 150 किलो सोना थयु वेचाण। यात्राधाम वीरपुर 25 ऑक्टोबर मंगलवार सूर्यग्रहण ने कारण बंद रहे। बपोरे दौड़ थी सांजना 7:30 वगैया सुधी जगह बंद रहे। मंदिर में संध्या आरती सांजे 7:30 वगे कर। अंबाजी में सुंधा माताजी मंदिर पर सूर्यग्रहण ने कारण 25 ऑक्टोबरे दर्शनार्थियों माटे बंद रहे। 26 ऑक्टोबरे मंदिर की आरती सवारे 6 वागे थशे। दर्शनार्थियों माटे गाइडलाइन जाहिर कराई। सोमवार 24 ऑक्टोबरे दिवाड़ी तेहवार पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सहित तमाम प्रोजेक्ट चालू रहे। बदला में बीजा दिवसे 25 ऑक्टोबर मंगलवार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सहित तमाम प्रोजेक्ट बंद रहे। खोडलधाम प्रमुख नरेश पटेले पीएम मोदी साथ करी मुलाकात। खोडलधाम ट्रस्ट मंडल अन्य सभ्यों पर लीधी पीएम मोदी की मुलाकात। नरेश पटेले खोडलधाम मंदिर दर्शने आमंत्रण। राजकोट में भाजपा कमलम कार्यालय उद्घाटन कर प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कर लोकार्पण। सीआर पाटिले विजय रूपाणी हाथ पकड़ी रिबीन कपा। राजकोट में सीआर पाटिले टिकट मुद्दे कार्यक्रमों ने फरी अपील करी। कहूं कि विधानसभा में टिकट की फाड़वनी पीएम मोदी और अमित शाह करते। साथ ज कहूं कि दरेक समाज ने प्रतिनिधित्व मिले ते रीतना टिकट अपाशे। राजकोट में सीआर पाटिले फटाकड़ा फोड़वा मुद्दे आप पर कर प्रहार। कहूं कि दिल्ली में फटाकड़ा फोड़वानी मनाई है आवा लोगों ने गुजरात में न प्रवेशवा देता नहीं तो फटाकड़ा फोड़वा पर पाबंदी लगावशे। पीएम मोदी 31 ऑक्टोबरे आवशे एकतानगर। आदिवासी समाज ने पीएम आपशे दिवाड़ी की भेट। 2 दिवसीय प्रवास में पीएम उत्तर और मध्य गुजरात करशे प्रवास। पीएम उत्तर और मध्य गुजरात करशे प्रवास। आदिवासी समाज ने पीएम दिवाड़ी की भेट आपशे। 1 नवम्बरे महीसागर में पीएम जंगी सभा ने संबोधन। मानगढ़ में पीएम मोदी जाहिर सभा ने संबोधशे। ट्राफिक दंड में लोगों ने राहत पर गरमायू राजकारण। ओवैसी सरकार पर कर प्रहार। कहूं कि सरकार की रेवड़ी लोगों जीव मूके जोखम में। सामे हर्ष संघवीए कर वर्तो प्रहार। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले ई खातमुहूर्त कर। जूनागढ़ में राज्यमंत्री देवा मालमे 83 करोड़ कामों कर खातमुहूर्त। अनेक जिला में विकास कार्यों कराया खातमुहूर्त। धनतेरस दिवसे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की गीर सोमनाथ ने भेट। सूत्रापाड़ा खाते नवी कोर्ट बिल्डिंग कर वर्चुअल खातमुहूर्त। जिला न्यायाधीशे वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम निहाळ्यो। अंबाजी कुंभारिया में श्री शक्ति वसाहत सांसद परबत पटेले कर लोकार्पण। विचरती जाति 33 लाभार्थियों ने कराव्यो गृह प्रवेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना हेठ बनावाई वसाहत। गांधीनगर में सहायक हेल्पलाइन तथा धनवंतरी आरोग्य रथ लोकार्पण। लोकार्पण कार्यक्रम में रोजगार मंत्री ब्रिजेश मिर्जा उपस्थित। नर्मदा हॉल स्वर्णिम संकुल एक सचिवालय में कार्यक्रम आयोजन करायु। भावनगर में जिला युवा क्षत्रिय सम्मेलन आयोजन। सम्मेलन में राजकीय पक्ष क्षत्रिय समाज ने टिकट आपे तेवी मांग। क्षत्रिय युवाओं ने हुंकार। क्षत्रिय समाज ने टिकट आपशे ते पक्ष की विधानसभा की सीट जीताड़शे। गांधीनगर में श्रम कौशल्य विकास और रोजगार मंत्री ब्रिजेश मेरजाए श्रमिकों ने भोजन पीरस्यू। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत श्रमिकों ने पीरसा आता भोजन की चकासणी करी। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत श्रमिकों ने मात्र 5 रूपया में पौष्टिक भोजन। राज्य 30 जिलाओं में 140 जेटली जगह पर आवा पौष्टिक भोजन माटेना तबक्कावार काउंटर शुरू कराशे। राजकोट में धोराजी उपलेटा विधानसभा विस्तार में चूंटणी पहला बेनर युद्ध। भाजप होय के कांग्रेस स्थानिक उम्मीदवार ने टिकट आपवानी मांग साथे स्थानिकोए लगाव्या पोस्टर। जामनगर में लालपुर भाजप में भड़काना एंधाण। लालपुर तालुका पंचायत में भाजपा की मुश्किल वधी। लालपुर तालुका पंचायत में हाल भाजपा शासन। कुल 18 में 12 सभ्य भाजपा। उत्तर गुजरात में कांग्रेस सक्रिय। तहेवारों में शुरू है बैठकों दौर। भिलोड़ा में योजाई कांग्रेस की बैठक। जिला प्रमुख कमलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक योजाई। अशोक गहलोत संभवित प्रवास की तैयारी की समीक्षा। अमदावाद में विपक्ष प्रहार पर केंद्रीय मंत्री पलटवार। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला निवेदन।
कहू कांग्रेस की बेरोजगारी पर करेला आक्षेपों खोटा भूतकाल में न थया होय तेवा काम आ सरकारे कर्या। आप नेता गुलाबसिंह यादव नो दावो आम आदमी पार्टी की गेरंटी पर गुजरात की जनता ने विश्वास होवानो दावो। अमदावाद में केटला गामना सरपंचो आप में जोड़ाया राज्य में आपना प्रचार ने वेग मळ्यो होवानुं जणाव्युं। वलसाड़ में आदिवासी विस्तार में मतदारों ने रिझवा भाषा में ज गीतों बनावाया। युवा भाजपा आगेवान दीपक चौपड़िया गीत तैयार कराव्युं। गीत में आदिवासी संस्कृति ने उजागर करवामां आवी। गुजरात कांग्रेस लाभ पांचम बाद करशे प्रचार की शुरुआत। केंद्रीय नेतृत्व गुजरात में करशे प्रचार। 30-31 ऑक्टोबर और 1 नवम्बरे योजाशे विविध कार्यक्रमों। प्रियंका गांधी आणंद में महिला सम्मेलन में भाग लेशे। अमरेली धारासभ्य परेश धानाणी शुरू कर्यो चूंटणी प्रचार। अमरेली में ऑटो रिक्षा में लगाव्या पोस्टर्स। रिक्षा एसोसिएशन माटे स्नेह भोजन पण आयोजन कर्यु। राज्यना 1000 वधु कोर्पोरेट हाउसे चूंटणी पंच साथे कर्या करार। 233 एमओयू पर कराया हस्ताक्षर। आगामी चूंटणी में आयोगे बनावी रणनीति। कोर्पोरेट सेक्टरना लोको वधु ने वधु मतदान करे तेवा प्रयास। कोर्पोरेट सेक्टर में मळशे चूंटणी रजा। कर्मचारी रजा पछी मतदान नहीं करे तो नोटिस बोर्ड पर लखाशे नाम। चूंटणीनी रजा ने मतदान माटे उपयोग में लेवा चूंटणी अधिकारी आप्यु निवेदन। दिवाड़ीना तहेवार निमित्ते वतन में जवा लोकोनी भीड़ उमटी। अमदावाद गीता मंदिर बस स्टेशन पर भारे भीड़। एसटी निगमे वधारानी बस नुं कर्युं आयोजन। दिवाड़ीना तहेवार निमित्ते रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन में प्रवासीओनो धसारो। एसटी विभागे वधारानी 2300 बस मूकी। सूरत विभागे 1550 वधारानी बस मूकी। अमदावाद विभागथी 700 बस दौड़ावाशे। अमदावाद में लोग धनतेरस दिवसे सोना की खरीदी करने उमटिया। लोग शुकन माटे करी रहा है सोना की खरीदी। आ वर्षे 2 दिवस रहेशे धनतेरस नुं मान। मोरबी जिला पोलीसे दिवाड़ी तहेवारों में लोगों ने कर्या सावधान। चील झड़प और चोरी जेवी घटनाओं थी लोगों ने सजाग रहेवानी अपील। मोरबी पोलीसे लोगों ने शांति थी तहेवार की उजवणी करवा अपील करी। धनतेरस पर्व ने लईने राजकोट सोनी बजार में लोगों की भीड़। धनतेरस दिवसे लोग सोना की खरीदी ने माने छे शुभ। सोनी बजार वेपारी चालू वर्षे खरीदी में वधारो थवानो अंदाज कर्यो व्यक्त। दिवाड़ी तहेवार ने लईने राजकोट एसटी डेपो पर लोगों की भीड़। 12-18 बस तहेवारों ने लईने दौड़ावाई। ग्रुप बुकिंग माटे कराई अलग व्यवस्था। सवराज पंचमहाल में लोगों वधारा बुकिंग। राजकोट ओपलेटा में दिवाड़ी तहेवार निमित्ते मार्केट यार्ड में रजा जाहिर। 1 अठवाडिया सुधी मार्केट यार्ड रहेशे बंद। 28 तारीख थी जणसी की हराजी थशे शुरू। मेहसाणा ऊंझा में मार्केट यार्ड में दिवाड़ी निमित्ते मिनी वेकेशन। लाभ पांचम थी वेपारी हराजी की करते शुरूआत। मिनी वेकेशन दरमियान समग्र कामकाज बंद रहे। सुरेन्द्रनगर में फटाकड़ा बजार में मंदी माहौल। आ वर्षे फटाकड़ा भाव में 30-40% भाव वधारो। भाव वधारा ने कारण फटाकड़ा बजार में ग्राहकों ओछो धसारो। गृहमंत्री हर्ष संघवी ट्राफिक नियमों अंगे जाहरात। 27 ऑक्टोबर सुधी ट्राफिक पुलिस दंड उघरावशे नहीं। अमदावाद में ट्राफिक पुलिस नियमों न पाड़े तेने दंड की जगह फूल आप्या। पीएम मोदी ट्वीट करीने अमित शाह ने जन्मदिवस की शुभेच्छा पाठवी। सहकारी क्षेत्र सुधारा में कार्यो बदल अमित शाह की करी प्रशंसा। साथ ज कहू कि भारत गृहमंत्री देश की सेवा में लांबू और स्वस्थ जीवन जीवे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात में 26 ऑक्टोबर सुधी। अमित शाह गुजरात प्रवासी। दिवाड़ी और नव वर्ष कार्यक्रमों साथ मनावशे। सीएम भूपेन्द्र पटेल और सीआर पाटिल पर रहेशे हाजर। गृहमंत्री अमित शाह वलसाड़ की मुलाकाते। आज थी अमित शाह की जोन वाइज बैठक शुरू करी। दक्षिण गुजरात भाजपा नेताओं साथ वलसाड़ में बैठक करी। बैठक में उम्मीदवारों नाम पर करी चर्चा। बैठक में सीएम और सीआर पाटिल रहा हाजर। अमित शाहे चूंटणी ने लईने माइक्रो प्लानिंग साथे बैठक शुरू करी। माइक्रो प्लानिंग माटे विधानसभा दीठ बैठक शुरू कराई। 5 दिवस प्रवास दरमियान अलग अलग विधानसभा में आज प्रकारे बैठक करवामां आवशे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जन्मदिवस बनासकांठा डीसा में अनोखी उजवणी करवामां आवी। भाजपा धारासभ्य शशिकांत पंड्याए शाह लांबा दीर्घायु माटे हवनु आयोजन कर्यु। भाजपा नेताओं और कार्यकरो हाजर रहा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज 59मो जन्मदिवस। अमित शाह सोमनाथ मंदिर ना ट्रस्टी। अमित शाह जन्मदिवस ने लईने मंदिर में मंत्र जाप महापूजा सहित कार्यक्रम आयोजन।
અમદાવાદના ગોતામાં અમિત શાહના જન્મદિવસની ઉજવણી કરાઈ. ગોતા વોર્ડના કોર્પોરેટર કેતન પટેલ અને કાર્યકર્તાઓએ કરી ઉજવણી. જન્મદિવસ પર વિશાળ કેક કાપી અને ફટાકડા ફોડીને જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, સાથે 1000 દીવડા પણ પ્રગટાવવામાં આવ્યા. સુરત મહાનગરપાલિકાની મળેલી સામાન્ય સભામાં હોબાળો. શૂન્યકાળમાં બોલવાની તક ન મળતા વિપક્ષે હંગામો મચાવ્યો. વિપક્ષના નેતાઓએ ટીંગા ટોળી કરીને સામાન્ય સભામાંથી બહાર કઢાયા. સુરતમાં વધુ એક પોલીસ સ્ટેશન ઉમેરાયું. ગૃહ રાજ્યમંત્રી સંઘવીએ અલથાણ પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કર્યું. અલથાણમાં શહેરનું 35મું પોલીસ સ્ટેશન શરૂ કરાયું. પોલીસ સ્ટેશનમાં ડાયમંડ બુર્સ, અબવા ચોકડી, શ્યામ મંદિર, અલથાણ ચાર રસ્તાનો સમાવેશ. 76મા ઇનફ્રેન્ટી ડેની ઉજવણી પર ભારતીય સેનાએ બાઇક રેલીનું આયોજન કર્યું. બાઇક રેલીમાં સીઆરપીએફ અને એનસીસી કેડેટ્સના જવાનોએ ભાગ લીધો. બાઇક રેલી દિલ્હીના નેશનલ વોર મેમોરિયલ પર જઈને સમાપ્ત થશે. ખેડામાં બોગસ ટ્રીપલ સી અને ટ્રીપલ સી પ્લસના પ્રમાણપત્રો મામલે કાર્યવાહી. અમદાવાદના 111 પ્રાથમિક શિક્ષકોને નોટિસ અપાઈ. શિક્ષકોને 7 દિવસમાં ખુલાસો કરવા આદેશ. અરવલ્લી જિલ્લામાં સિવિલ હોસ્પિટલની જાહેરાત થતાં ભાજપે ફટાકડા ફોડીને કરી ઉજવણી. અરવલ્લી જિલ્લામાં નવી સિવિલ હોસ્પિટલ મળતા સ્થાનિકોમાં ખુશી. ભાજપે જિલ્લાવાસીઓને આપી દિવાળીની ભેટ. સુરતમાં ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી. મંદિર અને દરગાહનું ડિમોલિશન. પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મનપાની કાર્યવાહી. રેલવે સ્ટેશનથી કાપડ માર્કેટ સુધીના દબાણ કરાયા દૂર. ઓવરબ્રિજ પાસે મંદિરનું ડિમોલિશન. જૂનાગઢ મનપાની સામાન્ય સભામાં ચોકનું નામ સુધારવા બાબતે હોબાળો. નામ બદલીને હુસેનભાઈ હાલા ચોક અપાયું હતું. વિપક્ષના સભ્યોએ નોંધાવ્યો વિરોધ. સભામાં બહુમતીથી ઠરાવ પસાર કરીને હુસેનભાઈ હાલા ચોક નામ રદ કરાયું. મોરબીમાં રખડતા ઢોરોનો ઉત્પાત. મહિલા અને બાળક પર આંખલાય કર્યો હુમલો. આસપાસના લોકો બચાવવા દોડી આવ્યા. રખડતા ઢોરના ત્રાસથી લોકોમાં ભારે રોષ. અમદાવાદમાં ખારીકટ કેનાલનું થશે નવીનીકરણ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે થશે ખાતમુહૂર્ત. એમસીના અનેક વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટનું થશે ખાતમુહૂર્ત. અમદાવાદમાં શારદાબેન હોસ્પિટલ અને એલજી હોસ્પિટલનું થશે નવનિર્માણ. 178 કરોડના ખર્ચે નવી શારદાબેન હોસ્પિટલ બનશે. 65 કરોડના ખર્ચે મણિનગરમાં નવી એલજી હોસ્પિટલ બનશે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા નિયામક નિલેશ સોનીની સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિની અરજી. નિમણૂકના 4 મહિનામાં જ નિવૃત્તિની કરી અરજી. કાયમી પરીક્ષા નિયામક તરીકે નિમણૂક હતી. ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થા માટે જીએસઆઈઆરએફ રેટિંગ જાહેર. નવ યુનિવર્સિટીનો 5-સ્ટાર રેટિંગમાં થયો સમાવેશ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીને 5-સ્ટાર, જીટીયુ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીને, એસપી યુનિવર્સિટીને 4-સ્ટાર રેકિંગ. સુરેન્દ્રનગરમાં મોડી સાંજે આકાશમાં પ્રકાશિત વસ્તુ દેખાઈ. લીમડી, સાયલા તથા ચોટીલામાં જોવા મળ્યો નજારો. આકાશમાં દેખાતી વસ્તુથી લોકોમાં ભારે કુતૂહલ. ખોડલધામના પ્રમુખની પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત. દિલ્હીમાં નરેશ પટેલ અને પીએમ વચ્ચે મુલાકાત થઈ છે. તો ખોડલધામ ટ્રસ્ટી મંડળના અન્ય સભ્યોએ પણ મુલાકાત લીધી છે. મહત્વનું છે કે ખોડલધામ મંદિરના દર્શને આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું. જોકે ટ્રસ્ટી દાવો કરી રહ્યા છે કે નરેશ પટેલ સાથે માત્ર શુભેચ્છા મુલાકાત કરી છે. તો નરેશ પટેલ અને પીએમ મોદીની મુલાકાત થઈ છે. દિલ્હીમાં નરેશ પટેલ અને પીએમ મોદી વચ્ચે આ મુલાકાત થયા બાદ પીએમને ખોડલધામમાં પધારવા માટે ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. ટ્રસ્ટી મંડળ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ફક્ત શુભેચ્છા મુલાકાત હતી. દિલ્હી જઈને નરેશ પટેલ પીએમ મોદીને મળ્યા હતા અને ખોડલધામ પધારી શકે છે પીએમ મોદી તેવી પણ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.